तो हम बात कर रहे हैं आज आपके साथ कि किस तरीके से हम वीवी माइक्रो प्रोग्रामिंग को करने से पहले क्या क्या चीजें यूज करेंगे, प्रिपरेशन में समझ लीजिए क्या क्या करेंगे। तो सबसे पहले आपके पास होना चाहिए डेवलपर टैब, क्योंकि डेवलपर टैब से ही करें, डेवलपर टैब से ही आप नेविगेट करेंगे। सो डेवलपर टैब होना चाहिए, बाय डिफॉल्ट नहीं आता है, इसके लिए आपको एक्सेल के फाइल ऑप्शन में जाके कस्टमाइज रिबन में जाके यहां से डेवलपर टैब लेके आना होगा। ओके डेवलपर टैब लेके आते हैं तो दो काम और करनी है, पहले माइक्रो सिक्योरिटी को अनेबल करना। ठीक है सर। अब देखिए माइक्रो सिक्योरिटी बाय डिफॉल्ट डिसेबल होता है। डिसेबल होने से प्रॉब्लम क्या होती है कि माइक्रो फाइल जैसे आप ओपन करेंगे आपको पॉपअप देगा अनेबल माइक्रो, आपके इवेंट माइक्रो और बाकी जो माइक्रो है वो वर्क नहीं करेंगे, सो आपको अनेबल करना होगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है, जब इतना माइक्रो इतना इम्पोर्टेंट है तो डिसेबल क्यों है बाय डिफॉल्ट, क्या? यस तो बेसिकली क्या होता है कि माइक्रोसॉफ्ट जब अनेबल करते हैं तो यहीं पे आपको बोलता है नॉट रिकमेंडेड, पोटेंशियली डेंजरस कोड कैन रन। तो अगर आप अनेबल कर देते हैं तो ध्यान रखिएगा अननोन सोर्स से जो फाइलें हैं उसको रन करने में आप थोड़ी सी सावधानी बरतेंगे। सर। अब क्वेश्चन आता है कि कैसे पता चलेगा कि सामने वाला पर्सन जो फाइल भेजा है उसमें माइक्रो है या नहीं, कैसे पता चलेगा? तो उसके लिए सिंपल सा उसके आइकन्स और टाइप से समझ सकते हैं। एक बार मैं दिखा रहा हूं, एक बार लार्ज आइकन कर देता हूँ, ये देख। अब यहाँ पे देखिए जो फाइल एक मिनट, इसमें एक फाइल पे जाता है। अब यहाँ देखिए जो जिस फाइल का आइकन इस तरह का दिख रहा है ना, ये आइकन दिख रहा है इस तरह का आइकन, अगर ये फाइल आ रही है तो आप बेझिझक ओपन करें, क्योंकि ये फाइल होते हैं डॉट एक्सएलएस एक्स, डॉट एक्सएलएस एक्स, यस सर, यस सर। यहाँ पे एक्स एल एस एक्स माइक्रो डिसेबल फाइल। इस फाइल, इस तरह के ओके फाइल टाइप के अंदर में आपके पास माइक्रो नहीं होंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, माइक्रो बिल्कुल नहीं होगा। सर, ओके सर। लेकिन जब आपके पास इस तरह का आइकन दिख रहा है ना, इस तरह का आइकन बना हुआ आ रहा है, तो सर ए फाइल टाइप होता है आपका डॉट एक्स एल एस एम माइक्रो अनेबल फाइल, ठीक है, एक्सेल माइक्रो अनेबल फाइल, तो इसमें माइक्रो हो ओके सकते हैं पर गारंटी नहीं है, क्योंकि ये माइक्रो और डेटा दोनों को स्टोर करता है, जरूरी नहीं कि माइक्रो होगा ही और जरूरी नहीं है कि माइक्रो नहीं होगा, सो मे बी ओके इसमें माइक्रो हो सकता सर है, समझ गए? अब सर ये जो फाइल आपके सामने दिख रही है ना, जिसमें इस तरह का आइकन होता है और स्क्वायर आइकन होता है, एक निकला होता है, सर ये आइकन आया तो इसको आप सावधानी से खोले, क्योंकि इसका एक्सटेंशन होता है डॉट एक्सएलएस ए, समझे? मतलब एड इन फाइल, ये सिर्फ माइक्रो ही कैरी करता है, सिर्फ माइक्रो कैरी करता है। तो किसी ने आपको फाइल माइक्रो भेजा, ए फाइल भेजा, तो ध्यान रखिएगा ये आपका माइक्रो वाली फाइल है, इसमें डेंजरस कोड आएगा, तो किसी अननोन पर्सन का फाइल ओपन करने से पहले थोड़ा सा सोच ले कि कुछ हो सकता है, वायरस वगैरह को जो है इसमें आ जाते हैं। मेरे पास एक वायरस आए थे जो ऑटोमेटिक आउटलुक में है, मैंने कि मेरे कॉन्टेक्ट से मेल मिला लेके और एडवर्टाइजमेंट मेल करता था, यस तो ध्यान रखिएगा। तो आपको ये जो माइक्रो अनेबल करना है ना, सिर्फ वन टाइम करना है, सिर्फ वन टाइम। उसके बाद बात ओके आती है कि जब प्रोग्रामिंग करने के बैठे तो प्रोग्रामिंग करने से पहले फाइल को सेव एज कर लें, माइक्रो अनेबल वर्कबुक। डिफॉल्ट जो होता है माइक्रो डिसेबल होता है, एक्सेल वर्कबुक होता है जो कि माइक्रो डिसेबल है, किस तरह का माइक्रो कोड रन नहीं करता है, सर
अब ये प्रॉब्लम बहुत सारे लोगों को आती है, जो जो हमारे नए स्टूडेंट्स है बीबीएम प्रोग्रामिंग शुरू करते हैं और अगले दिन फोन करते हैं, सर मैंने अभी भी माइक्रो बनाया था लेकिन फाइल सेव नहीं की थी, तब तक चल रहा था, फाइल सेव करके जैसे ही ओपन कर रहा हूँ इसमें तो माइक्रो दिख ही नहीं रहा है, माइक्रो पता नहीं क्या हो गया। यस सर, सेव एज माइक्रो इनेबल वर्कबुक में करना है। तो इसका ध्यान रखिएगा। तो इसलिए मैं शुरुआत में करने के लिए बोल रहा हूँ कि मान लीजिए आपने कोडिंग शुरू कर दी, राइट? यस सर। कॉम्प्लिकेटेड कोडिंग थी, इंटरनेट वगैरह इधर उधर हाथ पैर मार के आपने कोडिंग स्टार्ट कर ली और आपने मार दिया कंट्रोल एस, आपके दिमाग से उतर गया कि मैंने फाइल को एक्सेलस एक्स में सेव किया ही नहीं था, एक्सेलस एम में सेव किया ही नहीं था, समझे? यस सर। इसका ध्यान रखिएगा। ओके सर, ठीक है। यस सर। या फिर एक काम और कर सकते हैं कि आप एक्सेल ऑप्शन पे जाएं, आप जाए इसमें सेव पे और ये दिखा है आपको। यस सर, हमेशा ये इसमें ही सेव होगा जी। अपना टाइप चेंज कर दीजिए, टाइप चेंज कर दिया, अगर हम उसमें मैक्रो ऐड करेंगे तो उसमें मैक्रो में ही सेव रहेगा, अदरवाइज वो कोई इशू नहीं रहेगा अगर अपन आप डेट में करता है ना, आपको माइक्रो एनेबल वर्कबुक में डेटा और एक्सेल दोनों आप यूज कर सकते हैं, एक डेटा और एक्सेल दोनों आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके सर, ठीक है। अब बात आती है कि आप फाइल को जो आप कर ले तो फिर बात चलते हैं कि यहाँ पे डेवलपर टैग में और ए विजुअल बेसिक। अब जो विजुअल बेसिक दिख रहा है ना, इसको इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है, ये आपके एक्सेल के साथ इनबिल्ट होता है सर। यस सर। आपके पास अगर डेवलपर टैग नहीं भी है तो आप अल्ट एफ 11 प्रेस करेंगे तो आपका विजुअल बेसिक खुल जाएगा। और ये Alt F11 सिर्फ एक्सेल पे नहीं, एक्सेस SQL, सॉरी एक्सेस आउटलुक, वर्ड, पावर पॉइंट सब पे वर्क करेगा। ओके सर। तो यहाँ आपके सामने एक खुल के आ गया, खुल के अब इसके समझिए क्या होता है। ये जो दिख रहा है इसको बोलते हैं प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर। इसमें जितने भी फाइल आपकी यहाँ खुली हुई है ना, उन फाइल का यहाँ पे ऑप्शन आएगा। अब आपको डिसाइड करना है कि आपको कोडिंग किस फाइल में करनी है। ओके सर। जिस फाइल में कोडिंग करनी है उसको एक्सप्लेन कीजिए और उसके अंदर जितने नंबर ऑफ शीट्स होंगे ना उसका लिस्ट लिखेगा। जैसे बुक फोर में हूं मैं, तो बुक फोर में कितने, तीन सीट है ना, तो तीन सीट। सर, तीन सीट। उसके बाद ये आता है प्रॉपर्टी, मतलब जो भी आप ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करोगे उसकी प्रॉपर्टी यहाँ शो करेगा। ये दिस वर्क बुक क्या होता है सर, पूरी फाइल है क्या? फाइल जो बुक फोर बताता है, ये भी मैं आपको बताता हूँ, चिंता मत कीजिए। तो प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर होगा आपको चाहिए होगा और प्रॉपर्टी जो भी सिलेक्ट करेंगे प्रॉपर्टी आएगा। अब होता है क्या है कि कभी कभी आपको ये चीजें नहीं दिखेगी, हो सकता है, तो आप यहाँ से ला सकते हैं, प्रोजेक्ट यहाँ से आएगा, एक्सप्लोरर यहाँ से आएगा, शॉर्टकट कंट्रोल आर है ना, F4 है, ठीक है। यहाँ भी आपको ना दिखा तो व्यू के अंदर जाइए, दिख जाएगा। अब बात आती है कि हम कोडिंग कहाँ करेंगे। देखिए कोडिंग करने मतलब कि कोड हम कुछ लिख रहे हैं तो इसका कोई स्टोरेज चाहिए ना, कहाँ स्टोर होगा। यस सर। तो शीट वन के ऊपर जैसे डबल क्लिक किया मैंने, यहाँ एक व्हाइट कलर का विंडो आ गया जहाँ हम टाइपिंग कर सकते हैं। तो जो भी कोड करेंगे ना सर व्हाइट विंडो पे करेंगे। अब शीट वन के ऊपर डबल क्लिक करके कोड कर लिया तो मैं इसकी सलाह आपको नहीं दूंगी। क्यों? क्योंकि अभी जो हमने कोड सेव किया वो सीट वन की प्रॉपर्टी में सेव है ना। अच्छा। इसीने सीट वन को डिलीट कर दिया। अच्छा, तो वो पूरा कोड में डिलीट हो गया। तो बोले सर दिस वर्कबुक में कर देते हैं। ठीक है, दिस वर्कबुक में भी आप करेंगे तो दिक्कत होगा किसी और फाइल से नेविगेट करने में, इस फाइल से ले लू उस फाइल से ले लू, तो उसमें आपको प्रॉब्लम। इसलिए कोडिंग जब भी हम करते हैं इंसर्ट मॉड्यूल्स में करते हैं। मॉड्यूल्स क्या है कि इस फाइल के बुक वन की प्रॉपर्टी में सेव हो जा रहा है। अच्छा, ठीक है। और ये हर सीट से हर फाइल से नेविगेट कर सकता है, रेफरेंस ले सकता है, सब कुछ कर सकता है। तो सीट मॉड्यूल वन में हमें करना है।
तो सबसे पहले बारी आती है डिक्लेरेशन ऑफ द माइक्रो, कि माइक्रो को डिक्लेयर कैसे करेंगे। तो मैं यहां पे सब्जेक्ट लिया, ठीक है, सब लिखिए या पब्लिक सब लिखिए, और यहां पे माइक्रो नाम, जैसे मैंने लिख दिया टेस्ट ब्रैकेट ओपन एंटर प्रेस करेंगे तो आप यहां देखेंगे माइक्रो आपके सामने टेस्ट नाम का माइक्रो आ गया। आ गया सर, ठीक है ठीक है। अब जो भी प्रोग्रामिंग करनी है हमें ये सब और एंड सब के बीच में करना। अच्छा सर, मतलब ये क्या होता है कि हर एक काम के लिए एक माइक्रो क्रिएट किया जाता है। जैसे मान लीजिए आपका एक प्रोजेक्ट हुआ तो हर एक प्रोजेक्ट के लिए एक माइक्रो बनाया जाता है। प्रोजेक्ट बड़ा है तो हम प्रोजेक्ट को तोड़ देते हैं और कई सारे माइक्रो को यूज करते हैं। यस, ठीक है। और एक रूल्स में कई सारे माइक्रोज बना सकते हैं, उसकी कोई लिमिटेशन नहीं है। ओके सर। लेकिन एक एक सब्जेक्ट में, मतलब कि एक माइक्रो में हम 255 केवी का कोड ही डाल सकते हैं, उससे ज्यादा एक कोड नहीं डाल सकते। 255 केवी के कोड, यस सर, ठीक है। इसलिए जब बड़ा प्रोजेक्ट होता है तब उसको कई भागों में तोड़ देते हैं। यस सर। बड़ा मतलब बहुत बड़ा, जैसे आपको 300-400 लाइन की कोड है उसकी बात कर रहा हूँ। यस सर, ठीक है। सर, अब जी यहाँ पे माइक्रो नाम दिया है ना, इसमें भी एक झोल है कि आपने जैसे टेस्ट टूडे कर दिया, ये माइक्रो नेम एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि माइक्रो के बीच में किसी भी तरह का स्पेस लग रहा है, जैसे कि स्पेस डैश डॉट मल्टीप्लाई स्लैश प्लस माइनस नहीं आना चाहिए सर। हाँ, अंडरस्कोर आप लगा सकते हैं, ठीक है, ठीक है। उसके बाद इसमें एक चीज और भी है कि एक ना आपका तीन अल्फाबेट, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया राज वन, ये नहीं होना चाहिए। अब इसमें क्या फर्क, क्या दिक्कत है, जैसे इसको रन करेंगे रन ही नहीं हुआ, क्योंकि राज वन नाम का रेफरेंस है। अच्छा, ठीक है ठीक है। तो हमारा जो कॉलम का हेडिंग है थ्री रिलेटेड में है, एक्सेप्ट दी, इसलिए हम बोलते हैं कि थ्री करेक्टर एंड नंबर एक साथ ना लिखे, ठीक है। बीच में स्पेशल कर दे, या जैसे राजू वन हो गया तो राजू वन में कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ रन कर सकते हैं, राइट सर? यस सर। एक नाम के दो माइक्रो नहीं होते हैं एक मॉड्यूल के अंदर, क्लियर है सर? यस सर, क्लियर है। तो ये सब पैरामीटर्स है जिसको आपको फॉलो करना है, ध्यान रखना। ओके सर, राइट? यस सर, राइट। तो जो भी माइक्रो आप बनाएंगे वो माइक्रो आपका माइक्रो लिस्ट में आ जाएगा। अब कोडिंग क्या 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 हो सकता है वो हम आगे आपको बताएंगे, फिलहाल आप इस पर इग्नोर कीजिए, ठीक है। अब बात करते हैं रिकॉर्डिंग माइक्रो के बारे में। अब कुछ लोगों का कहना है कि जो हम कोडिंग अभी किए ना मॉड्यूल में जाके, उसको बीवीए कहते हैं और जो रिकॉर्डिंग है वो माइक्रो कहते हैं। ओके सर, पूरा गलत है सर। बीवीए इज अ लैंग्वेज और माइक्रो इज द पार्ट। बीवीए के थ्रू माइक्रो बनाएंगे, जैसे हमने अभी बनाया राजू वन, ये भी एक माइक्रो ही है। अगर मैं रिकॉर्ड करता हूँ यहाँ पे, रिकॉर्ड किया और मान लीजिए सिलेक्ट करके मैंने यहाँ पे नेम लिख दिया ना सर, तो ए भी आप देखेंगे या मॉड्यूल 2 में जो बना, ए भी आपका माइक्रो ही है। ओके सर। और ये जो लैंग्वेज यूज किया गया, दिस इज द वीवीए लैंग्वेज। अब मुझे अगर करना हुआ तो मैं भी इसी लैंग्वेज यूज करूंगा, कि मुझे मान लीजिए कि K1 पे जाके नेम लिखना, राइट? तो मैं अगर यहाँ पे गया, लिख दूंगा रेंज K1 डॉट वैल्यू इक्वल टू मान लीजिए राजू कुमार, समझे? तो मैंने जो लैंग्वेज यूज किया, मैंने भी वीवीए की लैंग्वेज। आ गया राजू कुमार सर? जी सर। तो क्या ये भी वीवीए है और रिकॉर्डिंग ने किया वो भी वीवीए है, समझ गए? तो रिकॉर्डिंग माइक्रो एक ऐसा टूल्स है जो आपके बिहाफ में आपका कोड कर देता है, समझे? ओके सर। आपके बिहाफ पे आपका कोड कर देता है, सिंपल, इसमें कोई और खास बात नहीं है।
समझे? यस सर। अब क्वेश्चन आता है कि सर वो तो ठीक है लेकिन कोडिंग तो फर्क है ना, आपने तो बस एक लाइन में लिखा बट इसने तो तीन लाइन लगा दी। तो बेसिकली मुझे जो जरूरत जितना जरूरत था उतना लिखा, लेकिन रिकॉर्डिंग माइक्रो ऑफिशियल लैंग्वेज को फॉलो करता है। सिंपल सी बात है। जैसे मान लीजिए बॉस को जाके बोलेंगे कि बॉस मुझे छुट्टी चाहिए, तो कैजुअली जाके बोलेंगे ना, जाके बोलेंगे श्रीमान प्रबंधक महोदय सेवा में समय निवेदन है जी सर, सही है। ऐसे थोड़ी बोलेंगे, नहीं सर बोलेंगे बॉस कल छुट्टी चाहिए थोड़ा सा काम है। हाँ, बॉस ने कह दिया कि भाई एक काम करो एप्लीकेशन लगा दो, तो एप्लीकेशन में एक पेज तो लिख देंगे कि बॉस कल छुट्टी चाहिए। एप्लीकेशन लिखेंगे तो ऑफिशियल लैंग्वेज को फॉलो करेंगे ना। सेम उसी तरह से जब रिकॉर्डिंग माइक्रो चलता है तो उसके अंदर पूरा एक सेटिंग है, तो वो किसकी ऑफिशियल लैंग्वेज को फॉलो करता है। लेकिन जब कोड करते हैं तो हम अपने हिसाब से उतना ही कोड लिखते हैं जितना हमको जरूरत है, जिससे हमको काम मिल जाए। यस सर। वरना हम भी जो कोड इसमें फॉलो किया है वो भी हम फॉलो कर सकते हैं। सेम राइट? यस सर। तो इसलिए रिकॉर्डिंग माइक्रो का यूज। अब रिकॉर्डिंग मैक्रो, अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन आती है कि जब ऑलरेडी मेरे पास रिकॉर्डिंग मैक्रो का फीचर है जो खुद ब खुद प्रोग्राम कर देता है, थोड़ा बड़ा ही करता है ना, प्रोग्रामिंग कर तो देता है। यस सर। तो फिर मैं बीवीए प्रोग्रामिंग क्यों सीखूं? मैं टाइम पैसा मेहनत क्यों करूं? ये अच्छा क्वेश्चन है सर। यस सर। देखिए, आप प्रोग्रामिंग अगर रिकॉर्डिंग मैक्रो के भरोसे रहेंगे ना सर, तो आप काम नहीं कर पाएंगे। अब जैसे कि हमने यहाँ रन कर दिया, तो रिकॉर्डिंग माइक्रो जो है इसमें हम डायनेमिक नहीं कर सकते, इसको रिपीटेशन नहीं कर सकते, हम कंडीशन नहीं लगा सकते, कनेक्टिविटी नहीं कर सकते। कहने का मतलब है कि 2% भी यूज नहीं कर सकते माइक्रो का, हम रिकॉर्डिंग माइक्रो। अच्छा अच्छा, ठीक है सर। अब बात आती है कि 2% यूज नहीं कर सकते, फिर इसका यूज क्या है? तो यूजलेस हो गया ना फिर। यूजलेस नहीं है, इसका दो तरह के यूज हो सकता है। पहला यूज इसका आएगा कि आप इसको एज ए डिक्शनरी यूज कर सकते हैं, समझे? जो चीजें हमें नहीं आ रही वो हम रिकॉर्ड करके उसको चेक कर सकते हैं एज ए डिक्शनरी। जैसे इंग्लिश में होता था, कोई लैंग्वेज नहीं पता चलता था, ऑक्सफोर्ड स्टोरी खोल के पता चल लेते थे कि इसका मतलब क्या है। जी सर। उसी तरह से मान लीजिए आपको इसका पेस्ट स्पेशल कोड पता नहीं है या कोई स्पेलिंग मिस्टेक कर रहे हैं आप, अब क्या करेंगे? जाएंगे सीधे यहाँ पे सीधे रिकॉर्ड मैक्रो करेंगे, कॉपी करेंगे, राइट क्लिक, पेस्ट स्पेशल, मान लीजिए वैल्यू करना है आपको, वैल्यू एंड ऑफ, स्टॉप और यहाँ पे जाइए मैक्रो टू एडिट, कोड आ गया एरर सिलेक्शन डॉट पेस्ट स्पेशल पेस्ट वैल्यू, ठीक है? Yes, sir. इसका यूज कर सकते, समझे? ओके सर। तो इसका यूज कर। अब बात आती है कि आगे और क्या करें? क्या डायरेक्ट कोडिंग सीखे? नहीं, डायरेक्ट कोडिंग नहीं सीखेंगे सर। कोडिंग सीखने से पहले एक छोटा सा काम करना होगा सर। एक वेबसाइट है excel-vva.com, इसके अंदर 33 चैप्टर्स है, तीन सेक्शन 33 चैप्टर्स। अब सारे तो पढ़ने के नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन हाँ कुछ हद तक पढ़े। इसमें बहुत अच्छी अच्छी चीजें दी गई है जो कि प्रिपरेशन में शुरुआती में आपको बहुत ज्यादा फायदा करेगा। अब ये वेबसाइट मेरा नहीं है, ऐसा नहीं है, खुद का ही रिजल्ट है, किसी और वेबसाइट है, लेकिन बहुत पुरानी है और मैं भी अपने लर्निंग टाइम में इसका बहुत इस्तेमाल किया है। तब से मैं हर स्टूडेंट को देता हूँ, हर स्टूडेंट का फीडबैक भी अच्छा है कि हाँ सर दिस इज गुड फॉर द बेसिक। यस यस सर। तो आप जो है इसको एक बार आसाम से बैठ के देख लीजिए, पढ़ लेता हूँ, ठीक है सर। कल हम बात करेंगे रिकॉर्डिंग माइक्रो करके कैसे हम यूज कर सकते हैं रिकॉर्डिंग माइक्रो को।
और रिकॉर्डिंग वाले को यूज करने के बाद कैसे उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, मैं बेनिफिट्स क्या ले सकते हैं। ओके ठीक है, ओके तो आप रिकॉर्डिंग भी कंप्लीट कर लीजिएगा अपना। हाँ सर, मैं कोशिश करता हूँ, 2 घंटे की हो गई सर।